यह वीडियो बहुत ही स्लो स्पीड से बनाई गई है ताकि आपको समझ में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। भारत का राष्ट्रपति, भारत में कितने राष्ट्रपति हैं? भारत में 14 राष्ट्रपति हैं। उन 14 राष्ट्रपतियों के नाम और उनका कारोबार, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना और पढ़ना। इस वीडियो में दिए गए राष्ट्रपतियों के नाम और कार्य सूची भी साथ साथ दिखाई गई है। इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में बताया गया है और इसमें कार्य सूची भी दिखाई गई है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भारत के मात्र राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2 वर्ष कार्यों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संसद सभा के अध्यक्ष भी थे और वे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के नेता भी थे। उन्होंने 1962 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। भारत का दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उसी दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। विद्यार्थी इस दिन को शिक्षा की टीचर डे के रूप में मनाते हैं और इसी दिन से टीचर डे लागू हो गया था। राष्ट्रपति के टीचर डे के उपरांत में ही यह दिन मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थी टीचर बन के पढ़ाते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाहिर हुसैन डॉक्टर जाहिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। तत्काल उपराष्ट्रपति वीवी गिरधारी लाल कार्यकाल राष्ट्रपति बन गए थे। भारत का चौथा राष्ट्रपति वीवी गिरधारी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम वीरा गिरी वेंकट गिरी है। उनके समय में दूसरे चक्कर की गणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यकार राष्ट्रपति कर रहे थे। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का पांचवा राष्ट्रपति फरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर हो गई थी। बी डी जत्ती को कार्यवाही राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत का छठा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। भारत के ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जो विफलता प्राप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति बनाया गया। भारत का सातवां राष्ट्रपति ज्ञानी जेली सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय
केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारत के डाकघर से संबंधी विभेद के पर उन्होंने पॉकेट वोटिंग का भी प्रयोग किया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी। भारत का 8वां राष्ट्रपति आर के वेंकटरण उन्नीस सौ 84 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, राष्ट्रीय संग्राम और महान राज्य नेता थे। उन्हें अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दी थी। भारत का 8वां राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के आठवें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 67 तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। भारत का 10वां राष्ट्रपति के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाल व्यक्ति थे। उन्हें देश का सचिव पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन से भी जाने जाते हैं। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। ने निर्देश में रोहिणी वन उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत के 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनाव लड़ी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी। भारत के राष्ट्रपतियों में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो सही उत्तर है श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। यह प्रश्न जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर उनको
1997 में श्रेष्ठ संसद का पुरस्कार दिया गया। भारत का 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रामनाथ केदवी 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने थे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राज्यपाल ये थे भारत के 14 राष्ट्रपति जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। अगर ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद। ये राष्ट्रपतियों के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का दूसरा राष्ट्रपति, भारत का तीसरा राष्ट्रपति, भारत का चौथा राष्ट्रपति, भारत का पांचवा राष्ट्रपति, भारत का छठा राष्ट्रपति, भारत का सातवां राष्ट्रपति, भारत का आठवां राष्ट्रपति, भारत का नौवां राष्ट्रपति, भारत का 10वां राष्ट्रपति, भारत का 11वां राष्ट्रपति, भारत का 12वां राष्ट्रपति, भारत का 13वां राष्ट्रपति, भारत का 14वां राष्ट्रपति। भारत में कुल 14 राष्ट्रपति हैं। धन्यवाद।